हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि देखिए, आज मेरे पास आईफोन 5 है, तो इस आईफोन 5 का पीछे का जो बैक ग्लास होता है सीट का, वो उसका ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास अभी आईफोन 5 है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऊपर का बैक ग्लास होता है, हमारा सीट होती है, वो ब्रेक है यहाँ से। ठीक है, तो आज हम इसमें रिप्लेस करना सीखेंगे कि इस फ़ोन में या आईफोन 5 या आईफोन 5S में इन सीटों को कैसे चेंज करें। ठीक है, तो देखिए मेरे पास अभी एक न्यू है, तो इसको हम लगाएंगे और मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आप इजीली इसको निकाल सकते हो बिना किसी फ़ोन को डिसेंबल किए या फिर ऊपर से या फिर किसी चीज़ों से, ब्लेड वगैरह किसी से कुछ नहीं करना आपको। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे कि आप आज बड़े आसानी से साथ ये ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले हम फ़ोन को डिसेबल ऊपर डिस्प्ले जो है हमारे खोल लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर पीछे से खोलेंगे तो, क्योंकि पीछे से नहीं खोल सकते क्योंकि इसमें ब्लेड कहीं कोने से जाएगी नहीं, ना कोई पत्ता जाएगा, ओपनर भी नहीं जाएगा, इसलिए हम पीछे से इसकी सीट को नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके लिए अभी हमको गर्म करना पड़ता है SMD या हमारी ये मशीन है उससे। तो चलिए पहले इसको फ़ोन को डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, अगर फ़ोन खोलूँगा उसके बाद ही नीचे से हम इसको प्रेशर देंगे तब जाके वो बाहर, हमारा जो सीट होती है बाहर आती है। ठीक है, पीछे से कोई सीट बाहर आ नहीं सकती है, तो इसलिए पहले वेट करते हैं इसको बंद होने का। बंद हो गया, तो अब इसके हम डिस्प्ले को पत्ते अलग कर देते हैं। तो सबसे आसान तरीका बताऊंगा, आप सारे आईफोन्स में, जो भी आईफोन 5 से लेकर 5S है, उन सब में इस तरह से ही सीट लगा सकते हो। तो देखिए मैं अभी यहाँ से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बोर्ड में नहीं खोलना ना ये, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, जो बैक कैमरा है इसके यहाँ से आपको पुश करना पड़ेगा। देखिए बैटरी हिल रही है इसकी, कहीं दिक्कत तो नहीं आई। कोई नहीं फ्रेंड्स, को चिपका देंगे अभी, तो देख लेते हैं। कोई नहीं, इसको चिपका देता हूँ पहले बैटरी को, इसे बोर्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फिर इसमें टेप लगाता हूँ इससे सपोर्ट बन जाए। तो फ्रेंड आपको गर्म करने के लिए SMD या फिर हमारी जो स्टेप रोटर मशीन होती है उससे यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं फ़िलहाल इससे कर रहा हूँ। तो आप पहले सीट को, फ़ोन को अच्छे से पीछे गर्म कर लीजिए ताकि वो थोड़ा गम जो होता है पिघल जाएगा। ठीक है, तो पहले बैटरी को सपोर्ट दे देता हूँ कि बैटरी हिले ना हमारी। तो चलिए लगा देता हूँ। तो इसमें कोई फ्रेंड मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि फ्रेंड बहुत से ऐसे होता है कि सारे हम जो होते हैं ऊपर ऊपर से क्रॉस करते हैं, सपोर्ट पीछे धक्का देते हैं या फिर ओपनर डालते हैं, ब्लेड डालते हैं, तो उससे क्या होता है फ्रेंड, ब्लेड डाल अगर लगाओगे कोने से, ब्लेड ना स्लिप हो जाती है, तो स्लिप होकर फ़ोन की बॉडी पर निशान पड़ सकते हैं। इसलिए आप ब्लेड जो भी मत डालिए, आप सीधा आगे से ही निकालिए, मतलब आगे से मतलब डिस्प्ले को ओपन करके ही निकालिए। ठीक है, तो चलिए अभी हमारी परफेक्ट गर्म हो चुकी है, बहुत गर्म हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे अभी। तो देखिए अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसको सीट को निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, पहले इसको बैटरी जो है हमारी फ्रेंड, बैटरी को संभल नहीं रही है, पहले बैटरी को सपोर्ट देता हूँ टेप लगा के कि बैटरी के पत्ता ना कट जाए। तो आई होप फ्रेंड आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, पहले का भी मैंने एक वीडियो बना रखा था इस पर, इसकी ग्लास के ऊपर पीछे के आईफोन 5S के, वो भी आप देख सकते हो, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहाँ से भी अलग तरीके से सीख सकते हो, लेकिन मैंने आज थोड़ा अलग तरीके से सिखाया है, आप यहाँ से भी सीख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ, ये बहुत गर्म हो रही है। ठीक है मशीन, तो इसलिए हम इसको गत्ते के ऊपर रखेंगे ताकि हमारे हाथ में कुछ वो ना हो। तो वेट करते हैं थोड़ा सा गर्म होने का। तो देखिए ये बहुत गर्म हो चुकी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले अगर आपको स्क्रूड्राइवर भी लेना है और हल्का सा कैमरा बैक होता है उसको उठाना है, उठा के आपको पीछे जो ये उठा के इसके पीछे जो फ्रेंड कोना होता है सीट का, उस पर आपको पुश करना है। देखिए यहाँ से पुश कर दिया तो ये बाहर आ गया है। ठीक है, तो फिर जब बाहर आ जाए इसका कोना, तो आप ब्लेड लीजिए और इस तरह से ब्लेड से इसको बाहर निकालिए। जैसे देखिए देखिए देखा फ्रेंड आपने किस तरह से आसानी से बाहर आ गया। तो कितना सिंपल था, हमने कोई जरा बिल्कुल भी मेहनत कोई नहीं करी, ना कोई टेंशन ली, बिल्कुल आराम से इजीली ये बाहर आ गया। ठीक है, तो अब इसको आप इस तरह से आप इसको बड़े आसानी के साथ इसको निकाल सकते हो, तो अब लगाना भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसकी बैटरी ज़रा दिक्कत दे रही है, तो अब कैमरे को थोड़ा सेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखा आपने फ्रेंड किस तरह से मैंने पीछे की सीट को रिमूव किया है और आप कैसे इसको लगा सकते हो। चलिए मैं इसको पहले जो सीट गम लगी हुई है स्टिकर है टेप इसकी निकाल देता हूँ। ठीक है, बड़े आराम से आप काम करना फ्रेंड, क्योंकि पीछे वाईफाई का जो एंटीना होता है उसका पत्ता होता है वो कट ना जाए। देखिए यहाँ पे वाईफाई के लिए IC लगी हुई है, पत्ता लगा हुआ है। ठीक है, तो कैमरा क्लिक कर देते हैं। तो चलिए अब मैं इस पर जो सीट हमारी है उसको लगाऊंगा।
तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इसको लगाना है। पहले मैं स्क्रैप बोर्ड स्टिकर जो है यहाँ पे देख, गम कोई लगी नहीं हुई है, वैसे गम लगी हुई आती है लेकिन स्टूडेंट गम नहीं है, ठीक है। चलिए पहले कैमरे को उसे क्लीन कर लेता हूँ, कैमरे में थोड़ा धूल मट्टी लगी हुई है इसको साफ़ कर लूँ कैमरे के ग्लास में। तो देखिए इस तरह से मैंने क्लीन किया, अब इसको चलिए फिट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ग्लू लगाएंगे, ग्लू से इसको फिक्स करेंगे। साइडों में पहले ग्लू होता है, ग्लू लगाएंगे इस तरह से, कोने कोने में आप ग्लू लगाना है, ज़्यादा मत लगाइए, फेरे ना, हल्का हल्का लगाइए, ध्यान से कैमरे के ऊपर ना आ जाए। यहाँ पर डस्ट रहेगी, डस्ट निकाल देता हूँ। तो अब इसको आपको ग्लू लगाना है धीरे धीरे, ठीक है। बाहर दाढ़ी बन जान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर ज़्यादा फैले ना। तो चलिए अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। कभी फ्रेंड ग्लू को खुला मत छोड़ेगा वरना ये सूख जाती है, इसलिए आप इसका मतलब बंद कर रखिए। तो आप चलिए इसकी सीट लगा देता हूँ, ये बड़े आसान लगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगाना बड़ा आसान है। तो आपको सिंपल क्या करना है, बस रखना है कोने से और आपको आराम से सिंपल दबा देना है, दबा के दाएँ बाएँ जहाँ से आपको सपोर्ट बने कि हाँ फिक्स हो गई है, बस वहाँ पर आप दबा दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब ये आराम से सिंपली फिक्स हो गई है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई छोटी बड़ी पड़ रही है, बिल्कुल बराबर फिक्स है। तो कैमरा भी मैं इसका फिक्स कर लेता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे LED है, उसको फिक्स कर लेता हूँ। तो देखा फ्रेंड आपने कितनी आसानी से मैंने ये जो काम है वो कर दिया। तो इस तरह से आप फ्रेंड कोई भी iPhone 5 या iPhone 5S की जो पीछे की ग्लास होती है सीट का, वो आप रिप्लेस कर सकते हो बिना किसी ज़्यादा झंझट के, वो भी आराम से। देखिए मैंने बिल्कुल 5-10 मिनट में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसको फ़ोन को असेंबल करते हैं। पहले बैटरी को सेट कर देता हूँ, यहाँ से टेप निकाल के, ठीक है। तो पहले इसकी बैटरी जो है ये बड़े परेशान कर रही है, इसको मैं चिपका देता हूँ, इसको चिपका देता हूँ। तो चिपका होगा ना फ्रेंड, कभी भी बैटरी दोबारा कभी कोई फ़ोन खोलेगा तो हिली गिरी ना ऐसे बाहर आएगी। तो थोड़ी गम लगा दो, हल्की फुल्की गम बहुत काफ़ी है इसके लिए, ज़्यादा गम मत लगाइए। सेट भी तो नहीं हो रही है। तो देखिए अब मैंने इसको सेट कर दी, ठीक है। अब इसको बंद कर देता हूँ ग्लू को। अब चलिए डिस्प्ले को फिक्स करते हैं फ़ोन के अंदर, थोड़ा साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस फ़ोन को फिक्स करता हूँ। तो यहाँ से देखिए ग्लास हमारा लग चुका है। तो चलिए फ़ोन को डिस्प्ले को फिक्स करते हैं। तो इसके लिए बड़ा आसानी है, पत्ता डिस्प्ले का, टच का पत्ता, डिस्प्ले का पत्ता, सबको हम फिक्स करेंगे इस तरह से। इसको लगा दिया, ठीक है। फिर डिस्प्ले का पत्ता इसको लगा दिया, और फिर ये हमारा फ्रंट कैमरा सेंसर स्पीकर इसका पत्ता है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सब कुछ हमने लगा दिया है, अब इसको ऑन करके देखेंगे। तो देखिए अभी ये ऑन हो गया, चलिए इसको फिक्स कर देते हैं फ़ोन को। हमने फ़ोन बंद कर दिया। तो फ्रेंड हमारा फ़ोन बिल्कुल डन हो चुका है। तो आपने देखा किस तरह से मैंने iPhone 5 का बैक ग्लास रिप्लेस किया, ठीक है। और रिमूव कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और रिप्लेस कैसे करना है और चेन लगाना कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाद में जो ग्लू है फ्रेंड, ग्लू को साफ कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड कोई भी iPhone 5 या 5S का आप ग्लास को रिमूव कर सकते हो, जो स्टेप ऊपर किए हैं वही स्टेप आप नीचे कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल गर्म करके करना, आप कभी कोई पीछे से प्रेशर मत देना, कोई ब्लेड मत मारना वरना स्क्रैच पड़ जाएंगे बॉडी पे, इसलिए आप पीछे से ही हिट करिए और आगे से पुश करेगा तो आराम से ही ये ग्लास पीछे की तरफ बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से आप इस काम को प्रॉपरली कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रंट कैमरा चेक कर लेता हूँ, देखिए फ्रंट कैमरा इसका वर्किंग है। तो देखा कितना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है फ्रेंड, आप बिल्कुल ईजिली इस काम को कर सकते हो, घर पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से ये काम कर सकते हो। घर पर करना हो तो फ्रेंड घर पर आराम से कर सकते हो, इसमें कोई बुरे मुश्किल नहीं है, बस आपका दिमाग है कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे भी ऐसे ही आपको वीडियो बना के देता रहूँगा। वैसे लेट आ रही है मेरी वीडियो, लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।